दोस्तों भारतीय टीम पर टूटा दुखों का संकट का पहाड़। अचानक T20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी ने लिया संन्यास। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय अपने T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन में जीआर जुड़ी हुई है। 12 तारीख को भारतीय टीम का T20 स्क्वाड आता है। उस स्क्वाड को देखने के बाद कोई भी खुश नहीं हुआ कि जिस तरह का स्क्वाड सिलेक्शन हुआ था उसके बाद बवाल तो होना ही था, क्योंकि कई सारे सवाल थे जो बीसीसीआई के ऊपर उठ रहे थे कि क्या भारतीय टीम का जो सिलेक्शन है वो फेयर है। लेकिन दोस्तों अब उस सवाल के जवाब बीसीसीआई तो दे नहीं पा रही है, पर दोस्तों भारतीय टीम के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भारतीय टीम का एक बेहतरीन खिलाड़ी क्रिकेट जगत से संन्यास लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों वो कौन खिलाड़ी है वो जान लेंगे आप, तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों इस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, वो है रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने 205 आईपीएल मैचेस खेले हैं। वो अब संन्यास लेने की कगार पर खड़े हैं। संन्यास उन्होंने कल ले लिया है। 197 आईपीएल मैचों में यहां पर इनिंग्स में उन्होंने हाईएस्ट उनका 88 का रहा था, 27 की एवरेज और 130 का स्ट्राइक रेट रहा था। उन्होंने इन सभी मैचों में 4952 यानी कि करीब 5000 रन बनाना लेते। उसी के साथ भारतीय टीम के लिए उन्होंने 12 T20 इनिंग्स खेली है, जहां पर उनका 24 का औसत रहा है और स्ट्राइक रेट 118 का रहा। लेकिन दोस्तों एक बहुत कंप्लीट बैट्समैन थे पर उनको लगातार टीम इंडिया मौका नहीं दे रही थी, पर अब उनको संन्यास लेना पड़ गया है क्योंकि वो लगातार टीम इंडिया से ड्रॉप होते रहे हैं और अब जो उनकी फ्रेंचाइजी सीएसके थी उससे भी ड्रॉप होते नजर आ रहे थे। आपके हिसाब से क्या रॉबिन उथप्पा संन्यास लेकर उन्होंने सही फैसला लिया या फिर नहीं, कॉमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।